रियासत कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब तनाजा पूरे मुल्क में फैल चुका है। मुल्क के कई रियासतों में हिजाब को लेकर सियासत तेज हो गई है। भगवा तंजीमों की जानिब से हिजाब के मसले को हवा दी जा रही है, जिसके बाद पूरे मुल्क में अपने ईमान, अपने पर्दे, अपने हिजाब की ताईद में कौम व मिल्लत की हजारों ख्वातीन मुल्क के आईन के इस्तेमाल करते हुए आवाज बुलंद करने लगी है। रियासत तेलंगाना के दारुलहुकूमत शहर हैदराबाद में आज हमारे नुमाइंदे शेख निजामुद्दीन लईख ने बुरखा हिजाब से मुतालिक सर्वे बुरखे के कारोबारियों में अंजाम दिया गया, जिसे पता चला है कि शहर में बुरखे की फरोख्त में हिजाब तनाजे के बाद इजाफा हो गया है। बल्कि खदशा किया जा रहा था कि हिजाब की फरोख्त में कमी आई होगी, लेकिन शहर में मुस्लिम खातिन और लड़कियों ने बुरखा और हिजाब की पाबंद हो गई है और पहले से ज्यादा इस पर अमल किया जा रहा है। पेश है इस खसूस में हिजाब के कारोबारियों के ख्याल और यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो कुछ ने भी और इजाफा हो गया है पहनने में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नहीं पहनते तो छोटे बच्चे भी बुरखे ले जा रहे हैं हिजाब गोशे पर्दे के लिए। वो तो इस्लाम है ना, अपना एक राइट है, एक अपना कि पहनना हिजाब। अब हमारी ख्वाहिश, हम लोग पहनाते हैं ना हिजाब, तो ये सियासत कर रहे हैं लोग इसके ऊपर और कुछ नहीं। कस्टमर तो माशाल्लाह और आ रहे हैं, कस्टमर तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कर्नाटक यहाँ वहाँ लोग बहुत आते हैं आउट ऑफ के, सब जगह जो आते हैं हैदराबाद घूमने, उन्हें ख्वाहिश रहती कि हम बुरखा लेके जाए हैदराबाद से और जैसे बिरयानी ज़रूर खाएं हम लोग, ये खाई जाती है हैदराबाद के लोग। नहीं कुछ नहीं भी अल्हम्दुलिल्लाह, और इजाफा हो गया माशाल्लाह। लोग देखिए, बम्बई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, पूरे ऑल इंडिया से आते हैं यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाते हैं यहाँ से आके। मेरा नाम अब्दुल हबीब है। अभी तो अल्लाह के करम से कुछ भी कमी नहीं हुई है, माशाल्लाह अल्लाह के करम से अच्छा चल रहा है और चलेगा बुरखा। और जो नए पहनने वाले थे, नए जनरेटर, उन लोग भी पहनने की ख्वाहिश कर रहे हैं बुरखा। माशाल्लाह अल्लाह के करम से सेल बढ़ चुका है। यहाँ से कहाँ-कहाँ बुरखा जाता है? पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड में बुरखा जाता है। हर शहर में जाता, कर्नाटक में जाता, बम्बई में जाता, औरंगाबाद में जाता, दिल्ली जाता, हर जगह, आंध्रा, हर तरफ सप्लाई है बुरखे की हैदराबाद से। शहरान मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है। अब इस बार कुछ हिजाब का जो मसला है उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ है और माशाल्लाह अल्लाह के करम से और बढ़ चुका है। और जो नए पहनना चाह रहे हैं तो उन लोग भी ख्वाहिश करके आके पहनने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भाई, मेरा नाम शहबाज महमूद है। यहाँ ओल्ड सिटी चार मीनार में शहरान मार्केट, उसमें मेरी शॉप है मीना बुरखा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी प्रोटेस्ट कर्नाटका में बुरखे के खिलाफ हमारे नॉन मुस्लिम भाई नौजवान कर रहे हैं, इससे हमारी बहनों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। जो बगैर बुरखों के फिरती थी वो भी हिजाब का अहतमाम कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये हरकत की वजह से हमारी बहनों में हिजाब का क्रेज़ बढ़ चुका है। और हमारी जो मार्केट है हैदराबाद में मशहूर शहरान मार्केट, जो स्पेशली बुरखों के लिए कही जाती है, इसमें भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेल बढ़ चुका है। और जो हमारी बहनें बगैर बुरखे के फिरती थी, जो सिर्फ स्कार्फ यूज़ करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हिजाब की पाबंद हो गई है और प्रैक्टिकल में पूरा बुरखा वो इस्तेमाल कर रही हैं, प्रॉपरली पूरा बुरखा यूज़ कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी हुई हरकत, इससे हमारी बहनों को बहुत अच्छा सबक मिला। जो बगैर बुरखे के फिरती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बुरखा पहन के फिर रही है और हिजाब में उनको अपने आप में एक बहुत गर्व और ब्रेव अपने आप को महसूस कर रही है। वो जो हमारी बहन ने जो काम किया है मुस्कान खान ने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको जो एक ज़रिया बनाया हिजाब का क्रेज़ बढ़ाने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। और मार्केट भी माशाल्लाह बुरखे की बहुत अच्छी चल रही है।